सबसे पहले तो मैं हरियाणा की 2 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकतंत्र के पर्व में और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो संविधान ने बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें प्रदान किया है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में मतदान में हिस्सा लिया। और इस तरीके से हम पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल का शासन बदहाली का रहा है, इसमें जनता त्रस्त है, जनता के मन में जन आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस की पिछली सरकार की नीतियां, उसमें विश्वास, उसका विकास और जो कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के नेताओं ने और जनता ने मिलकर जो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो जवान की बात हो, चाहे वो पहलवान की बात हो, चाहे समाज का कोई भी अन्य वर्ग हो, मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार से त्रस्त था उसकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी ने उठाई, उसका नेतृत्व किया, विधानसभा से लेके जनता के बीच तक, सड़क तक उस आवाज़ को बुलंद किया। मैं समझता हूँ कि उसी का नतीजा है कि आज हमने तो पहले कहा था कि ऐतिहासिक जो है निर्णय आएगा और हम आज भी ये कह रहे हैं, अभी भी एग्जिट पोलों की कम है, 1966 से लेके अब तक का सबसे बड़ा जो है बहुमत कांग्रेस को 2024 में हरियाणा की जनता देने जा रही है। मैं कहूँगा जो हमने वादा किया था 3 सीटों का और 3 आसपास की सीटों का, आज हम आश्वस्त होकर कह सकते हैं कि सभी कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से सारी सीटें जीत रही है और राज भी बन रहा है और सारी बातें आज जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, यहाँ लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके और कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया है। मैं कहूँगा नुह के लोगों ने लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा मतदान किया था, वो अलग बात है कि थोड़ी सी कमी रह गई थी राजबब्बर जी के टाइम पे, लेकिन अब की बार हमने पहले अपील की थी कि मतदान का अपना संवैधानिक जो अधिकार है उसे ज़रूर इस्तेमाल करें और उसी का अनुरूप नुह विधानसभा की जनता ने बड़ी भारी संख्या में, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, सब ने आगे आए और आज मैं समझता हूँ कि हरियाणा में सबसे नंबर एक की मतदान की संख्या में श्रेणी में नुह विधानसभा शामिल है। मैं यही कहूँगा कि आज देश में ये तो 2 चुनाव राज्यों के चुनाव कराए इन्होंने, महाराष्ट्र और झारखंड के भी करा लेते तो चारों के चारों में यही पोजीशन होनी थी। कांग्रेस चाहे लोकसभा के प्रदर्शन देख लो और उसके बाद देख लो, सब में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ जनता की आशाओं के अनुरूप और उनकी जो उम्मीद है, उनके आशाएं हैं, उनके अनुरूप खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज नेतृत्व क्षमता है राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं की कि वो जनता की जो जरूरत है उसी के अनुरूप आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे जो राजनीति नफरत की और बंटवारे की राजनीति बीजेपी जो कर रही थी उसके खिलाफ अगर आवाज बुलंद करके करा तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे भारत में उस चीज का असर है और 36 बिरादरी के लोग आज कांग्रेस के इस जो कि संविधान नीतियां हैं और कांग्रेस की जो सिद्धांत है उसी के साथ आज हमारे को समर्थन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है और हम समझते हैं इसी तरीके के नतीजे आगे भी विधानसभा के चुनाव में आने दिखाई।